आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। इस बैठक में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, महासचिव और प्रभारी मौजूद रहने का अनुमान है। यह बैठक दोपहर 12 बजे 10 जनपद पर होने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार गठन की सभी संभावनाएं तलाश रही है। कांग्रेस ने अगली सरकार बनाने के अपने दावे को लेकर सक्रियता और भी तेज कर दी है। और इससे पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यूपीए 3 गठन के साथ एक प्रयास के तहत गैर एनडीए पार्टियों के साथ सलाह मशवरा किया, ताकि इन सभी को एक संयुक्त गठबंधन में साथ लाया जाए। कांग्रेस को उम्मीद है कि एनडीए के पूर्ण बहुमत हासिल करने में असफल रहने पर वह भाजपा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने में सफल रहेगी। आपको बता दें, दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक, लोकसभा चुनाव परिणाम से ठीक एक दिन पहले ये बेहद अहम बैठक। दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, लगभग सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली है। यूपीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक में रणनीतियां बनाई जाएंगी। आपको बता रहे, दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक, और ये बैठक यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली है, जिसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और यूपीए के सहयोगी दलों के साथ इस बैठक में कई रणनीतियां बनाई जाएंगी। आपको बता रहे, कल लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने वाला है, और उससे ठीक एक दिन पहले ये बेहद अहम बैठक, जिसमें कई तरीके की रणनीतियां बनाई जाएंगी, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, और इसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। और ये बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली है। दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ी है हमारे साथ। जी प्रीत, ये बताएं कि कल लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने वाला है, और ऐसे में आज क्या कुछ मायने देखे जा रहे हैं इस बैठक के? जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने अनौपचारिक तौर पर सभी प्रभारियों की ये बैठक बुलाई है। जैसे कि कल बीजेपी ने भी अपने तमाम नेताओं की, केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, उसके बाद आज कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई है। चुनाव के परिणाम क्या कुछ रहते हैं और उसके बाद अलायंस को लेकर छोटे दलों से किस तरीके से सामंजस्य साधा जाए, अगर सरकार बनाने की स्थिति हो तो उनको लेके ये बैठक है। इसमें अनौपचारिक तौर पर पूरी चर्चा की जाएगी जी। इसके साथ ही किस किस क्षेत्र में, किस किस राज्य में कैसा परिणाम रहने वाला है, इसको लेकर भी एक बैठक है। स्ट्रांग रूम में मतगणना के दौरान कार्यकर्ता किस तरीके से एकजुट रहे और किसी भी तरीके की चूक ना होने पाए, अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं तो, इसको लेकर भी एक राहुल गांधी की तरफ से एक फीडबैक दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रियंका गांधी का कार्यकर्ताओं से बातचीत का एक वीडियो जो है वायरल हुआ जी। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रियंका के उस मैसेज की तर्ज पर ही यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये संदेश दिया जाएगा कि मतगणना में कांग्रेस अपनी पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ एकजुट होकर काम करे, ताकि रिजल्ट जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, तो कुछ जहां पर कांग्रेस को जो सीटें निकालने की उम्मीद है वहां पर कम से कम कांग्रेस के लिए जीत हासिल हो सके, जीत पुख्ता हो सके। जी जी प्रीत, ये बताएं कि इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं, तो कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, प्रदेश की ओर से अविनाश पांडे के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया था जी, लेकिन उनका दोपहर 12:30 बजे जयपुर रवाना होने का कार्यक्रम है। ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी से वो पहले मुलाकात कर सकते हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात ये है कि रवाना होने से पहले सीएम राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं या नहीं। अन्य जो राज्यों के प्रभारी हैं वो यहाँ बैठक में जरूर मौजूद रहेंगे, खासतौर पे अहमद पटेल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तीनों इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनकी ओर से हर जो प्रभारी हैं या महासचिव हैं उनको उनकी तरफ से फीडबैक दिया जाएगा कि किस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस को कैसे एकजुट करना है, और अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो अन्य जो गठबंधन के उनसे किस तरीके से सामंजस्य साधा जाए, उनको किस तरीके से जो है राजी किया जाए कांग्रेस के खेमे में रहने के लिए, यूपीए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी जी प्रीति, बताएं क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे तक ये बैठक शुरू होगी?
देखिए 11 बजे का समय था, लेकिन लगातार इसमें देरी हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि बैठक 12 बजे के करीब शुरू होगी। तमाम जो नेता हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं 10 जनपद पे, तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बैठक अब 12 बजे तक शुरू हो सकती है या उससे कुछ समय पहले, जबकि खुद राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद ये औपचारिक तौर पर बैठक शुरू हो जाएगी। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बेहद अहम बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक का समय 11 बजे दिया गया था, लेकिन कुछ देरी की वजह से संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि ये बैठक 12 बजे तक शुरू हो जाएगी और इसमें कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही कई रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि कल लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम घोषित होने वाले हैं, तो ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है।